विद्या मंदिर के वे स्कूल जो यूपी बोर्ड से संचालित हो रहे हैं उनकी टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है। आप लोग उसको देख के अच्छी तैयारी करना चालू कर दें। देखिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जो भी बच्चे हैं वो इसी शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। देखिए उनके कॉलम कहाँ पर कहाँ पर है इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 जो परीक्षाएं संचालित होंगी वो 19 तारीख को होंगी, 20 तारीख को, 21 तारीख, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। इन दिनों ये परीक्षाएं संचालित होनी है, इसको अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। 28 तारीख तक ये परीक्षा चलेगी, तो क्रमवार इसी तरह से आप लोग याद करना है। देख लीजिए एक बार मैं बता देता हूँ कि जो पहली परीक्षा कक्षा 6 की है वो अंग्रेजी की केवल प्रथम पाली में है, दूसरी परीक्षा प्रथम पाली में सामाजिक अध्ययन की है। प्रथम पाली में 21 तारीख को विज्ञान एवं पर्यावरण ये आपका पेपर है ये होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये अवकाश है आपका क्योंकि रविवार को परीक्षा संचालित नहीं हो रही। 22 तारीख को बिल्कुल यहाँ पर अवकाश घोषित है, कोई भी परीक्षा संचालित नहीं होगी। 23 तारीख को कक्षा 6 में गणित की परीक्षा होगी, 24 तारीख को हिंदी की है, 25 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में ही सारी परीक्षाएँ संचालित हो रही नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। उसके बाद 26 तारीख को याद कर लीजिए, इसको ध्यान पूर्वक आप समझ लीजिए, गृह विज्ञान पुस्तक कला कृषि इनकी परीक्षाएं आप लोगों की गुरुवार को होगी। 27 तारीख को कंप्यूटर चित्रकला संगीत वाणिज्य और शारीरिक पत्र का जो पेपर होगा वो आप लोग इसी दिन मिलेगा। और 28 तारीख को प्रथम पाली में शारीरिक शिक्षा की परीक्षा होगी प्रथम पाली में। 7th क्लास के देख लीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पहली परीक्षा आप लोगों की हिंदी है, दूसरी परीक्षा कंप्यूटर है, तीसरी नैतिक है, अगली परीक्षा संस्कृत है, उसके बाद गणित है, सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी। यहाँ तक तो आप लोगों को सब एकदम सिक्वेंसली एक ही एक परीक्षा देनी है, लेकिन जैसे ही आप 26 तारीख को जाएंगे आपकी दो पालियों में परीक्षाएं संचालित होंगी, उसके बाद 27 तारीख को दो पालियों में परीक्षाएं संचालित होंगी और उसके बाद आप लोगों की 28 तारीख को एक ही पाली में परीक्षा संचालित होनी है। 27 तारीख नैतिक की और चित्रकला संगीत वाणिज्य की परीक्षा संचालित होनी। क्लास 8th की अगर हम लोग बात कर लें, क्लास 8th देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल उसी तरह क्रम से चलना है। पहली परीक्षा गणित की है, दूसरी संस्कृत है, तीसरी कंप्यूटर है, अगली हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान पर्यावरण है। उसके बाद देखिए जैसी 26 तारीख को आएंगे दो परीक्षाएं संचालित हो रही हैं दो पालियों में, सामाजिक अध्ययन, गृह विज्ञान, पुस्तक कला, कृषि। और 27 तारीख को आप लोगों को ध्यानपूर्वक ध्यान ये देना है कि अंतिम जो दो दिन रहेंगे इसमें आप लोगों को दो दो परीक्षाएँ संचालित होंगी दो दो मीटिंगों में, और अंतिम वाली तो परीक्षा बिल्कुल एक ही मीटिंग होनी है, केवल एक सेकंड मीटिंग तक परीक्षा पाली गई है। ये माफ कीजिएगा, दो 26 तारीख वाली और 27 तारीख वाली। 26 तारीख में दो परीक्षाएं जो संचालित हो रही हैं वो सामाजिक अध्ययन की और गृह विज्ञान पुस्तक कला कृषि की है, और 27 को है नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा और दूसरी है चित्रकला संगीत वाणिज्य की। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप जो विषय आप लोगों ने चुनाव किया हो उसकी तैयारी आप कीजिए। अब यहाँ से 9 से 12 ध्यान समझ लीजिए। सबसे पहली परीक्षा आप लोगों की अंग्रेजी की है, दूसरी परीक्षा नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, तीसरी परीक्षा गणित की है, अगर जिनका गणित नहीं है गृह विज्ञान है तो वो गणित और गृह विज्ञान की तैयारी करके आएंगी। अगली परीक्षा जो 23 तारीख को पढ़ ली प्रथम पाली में संस्कृत चित्रकला वाणिज्य कंप्यूटर संगीत इनमें से जो भी विषय आपका है उसकी परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है। 25 तारीख को हिंदी की परीक्षा है और 26 तारीख कोई परीक्षा नहीं है आपकी, सीधे आपको 27 तारीख को परीक्षा देने आनी है विज्ञान की प्रथम पाली में है, और आखिरी दिन सामाजिक अध्ययन की परीक्षा आपको देनी। इसी प्रकार से कक्षा 10 की अगर बात करें तो पहली परीक्षा इन लोगों की हिंदी की है, ठीक है, वे बच्चे हिंदी की तैयारी करें प्रथम दिन, नैतिक योग शिक्षा दूसरे दिन है। उसके बाद अगले दिन आप लोगों को 21 तारीख को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। अवकाश के बाद जब आप लोग आएंगे पुनः सोमवार को 23 तारीख को गणित की परीक्षा और गृह विज्ञान की दोनों में से जो भी आपका विषय होगा उसकी परीक्षा आप लोग देंगे। उसके बाद 24 तारीख संस्कृत चित्रकला वाणिज्य कंप्यूटर संगीत जो विषय आपका होगा उसकी परीक्षा आप लोगों को 24 तारीख को देनी है। 25 को आपका पेपर नहीं है। 26 को पुनः आप लोगों को प्रथम पारी में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देनी है, और आखिरी दिन अंतिम दिन 28 तारीख को प्रथम पाली में विज्ञान की परीक्षा आप लोगों की रहेगी। 11th क्लास की बात कर लेते हैं, सबसे पहली परीक्षा अंग्रेजी की है, दूसरी परीक्षा सेकंड, ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा समझना है, दूसरी परीक्षा जो 20 तारीख को जिनका गृह विज्ञान है उनको गृह विज्ञान की तैयारी करके आना है जो लड़कियाँ होंगी। उसके बाद जब 21 तारीख को आप लोग आओगे तो आप लोगों की केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, अगर आपका नहीं है संस्कृत है संस्कृत की परीक्षा, और अगर आप कॉमर्स से हैं तो बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी करके आप लोग आओगे। 23 तारीख को आप लोगों की शिक्षा शास्त्र मतलब जिनका 8 विषय से एजुकेशन है उनकी तैयारी
या उनका पेपर आप लोग सोमवार 23 तारीख को, सोमवार को होगा, और 24 तारीख दिन मंगलवार को फिजिक्स की परीक्षा है, अकाउंट्स की परीक्षा है, और ये सोशोलॉजी की परीक्षा आप लोगों की संचालित होगी। ठीक है, 25 तारीख को प्रथम पाली में आप लोगों की परीक्षा गणित, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स की है। सेकंड पाली में जिनका ज्योग्राफी है उनको सेकंड पाली में आके ज्योग्राफी की परीक्षा देनी है। 26 तारीख को प्रथम पाली में खेल एवं शारीरिक शिक्षा की परीक्षाएँ, और द्वितीय पाली में नागरिक शास्त्र अर्थात सिविक्स की परीक्षाएँ। अब इसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर की परीक्षा देनी है 27 तारीख को प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में चित्र आर्ट की परीक्षा है, चित्रकला की परीक्षा है, और सबसे अंतिम दिन आप लोगों का हिंदी, सामान्य हिंदी दोनों परीक्षाएं एक दिन संचालित हो रही हैं। जिनका हिंदी होगा वो हिंदी की परीक्षा देंगे, और जिनका सामान्य हिंदी होगा वो सामान्य हिंदी की परीक्षा देंगे। और द्वितीय पाली में इतिहास, तो जिनका आर्ट सब्जेक्ट है उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि वे सामान्य हिंदी के साथ उसके बाद द्वितीय पाली में इतिहास का पेपर भी देंगे। अब देखिए क्लास 12th देख लेते हैं। सबसे पहला जो पेपर 19 तारीख को पढ़ रहा है वो केमिस्ट्री का पढ़ रहा है। जिनका संस्कृत वो संस्कृत तैयारी करें, जिनका कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ है वो बिजनेस स्टडीज़ तैयार करके आएंगे। जो दूसरे पेपर में 20 तारीख को जो आपका पेपर है वो सामान्य और हिंदी का होगा। तीसरा जो पेपर है 21 तारीख को वो आप लोग का फिजिक्स का, अगर आप साइंस के हैं फिजिक्स का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर है और सोशोलॉजी का पेपर है। 23 तारीख को मैथ का पेपर, अगर मैथ नहीं है तो जीव विज्ञान का पेपर, और अगर जीव विज्ञान भी नहीं है तो आप लोगों का कॉमर्स से है तो इकोनॉमिक्स से आप लोग पेपर देंगे 23 तारीख को। 24 तारीख को आप लोगों का शिक्षा शास्त्र का पेपर, अगर आप आर्ट साइड से हैं, और साइंस और कॉमर्स वालों की शायद छुट्टी रहेगी, मेरे हिसाब से पेपर कोई नहीं। 25 तारीख को प्रथम पाली में खेल एवं शारीरिक शिक्षा, और द्वितीय पाली में आर्ट का पेपर होगा। 26 तारीख को पुनः अंग्रेजी का पेपर, पुनः माफ़ कीजिएगा, पहला पेपर प्रथम पाली में अंग्रेजी है और द्वितीय पाली में भूगोल का पेपर संचालित हो रहा है। उसके बाद 27 तारीख को आप लोगों को पेपर देना है कंप्यूटर का प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में होम साइंस का, और सबसे लास्ट पेपर 28 तारीख को प्रथम पाली में आप लोगों का सिविक्स है, और अंतिम पाली में इतिहास का पेपर है। ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, और ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, हर एक बच्चे तक ये टाइम टेबल की वीडियो पहुँचाएँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यालय द्वारा जो है टाइम टेबल की शेड्यूल वाली जो शीट होती है वो जल्द से जल्द नहीं दे जा पाते हैं टीचर, तो इसको आप वीडियो के माध्यम से शेयर कर दें। धन्यवाद।